हेलो एवरीवन, आज हम लेकर के आए हैं गोल्डन टी की रेसिपी, यानी कि हर्बल टी या नींबू वाली चाय। ये गोल्डन टी पीने में जितनी टेस्टी होती है उतनी ही ज़्यादा फायदेमंद और हेल्दी होती है। आजकल बदलता हुआ मौसम है, इस मौसम में सर्दी खांसी जुकाम आम सी बात हो गई है, तो इस चाय को आप सुबह शाम बना के पीजिए। सचमुच में ये गोल्डन टी साबित होगी, बिल्कुल सोने जैसे गुड़ों वाला ये चाय है। तो चलिए इस हर्बल टी को बनाना देखते हैं। इसे बनाने के लिए जिस कप में हमें चाय सर्व करनी है उसी कप से नाप करके पानी लेंगे। तो यहाँ देखिए पानी हम भर के ले रहे हैं, ये 1 कप पानी हमने नाप लिया। इसी तरीके से 2 कप पानी और नाप लेंगे। तो यहाँ पे हम 3 कप चाय बनाने जा रहे हैं। 3 कप पानी नाप लिया, उसके बाद आधा कप पानी एक्स्ट्रा हम ले लेंगे। ये पानी जब हम चाय बनाएंगे ना तो ये पानी जल जाएगा बॉयल होते समय। अब इसको हम रख देंगे पकने के लिए और इसमें चीनी डालेंगे। चीनी हमें यहाँ पे 5 चम्मच डालनी है, आप 6 चम्मच भी डाल सकते हैं, यानी कि अगर आप 1 कप बना रहे हैं तो 2 चम्मच चीनी डालिए, और अगर चम्मच की साइज बड़ी है तो 1.5 के अनुपात में डालिए कि 1 कप चाय में हम 1.5 चम्मच चीनी डाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 चम्मच चीनी डाल ली है। अब लेंगे अदरक का टुकड़ा, तो ये 1 से 1.5 इंच तक का अदरक का टुकड़ा है, इसे हम अच्छे से कूट करके डालेंगे। कूट के डालने से चाय में इसका अर्क अच्छे से आएगा। तो ये लीजिए अदरक हमारी कूट गई है, इसको चलिए चाय में डाल देते हैं। और अब इसमें डालेंगे 2 काली मिर्च, इसे गोल मिर्च भी कहते हैं, 1 कप चाय में आप 1 डाल सकते हैं। साथ ही में डालेंगे 3 से 4 लौंग, 1/4 चम्मच नमक, ये खाने वाला सादा नमक है, 1/4 चम्मच काला नमक, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा और डाइजेस्ट के लिए भी बढ़िया है। 1/4 चम्मच चाय की पत्ती डालेंगे, कोई भी नॉर्मल सी चाय जो आप पीते हों वो चाय पत्ती डाल लीजिए। और इसे अब हमें ढक करके रख देना है उबाल आने के लिए। 5 से 7 मिनट में चाय में बढ़िया से उबाल आने लगी है। अभी फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इसमें डालेंगे तुलसी की पत्तियाँ, ये 10 से 15 तुलसी की पत्तियाँ हैं। अगर आप 1 कप चाय बना रहे हैं तो 5 तुलसी की पत्तियाँ डाल दीजिए। तुलसी की पत्तियाँ लगभग सभी घरों में मिल जाएगी, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके बिना भी चाय बना सकते हैं। तुलसी की पत्ती को डालने के बाद चाय को हम लगभग 5 से 10 मिनट तक अच्छे से उबाल लेंगे। और जब ये 10 मिनट तक उबल गया है तब इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। तो यहाँ पे मैंने आधा नींबू लिया है, इसे निचोड़ करके डालेंगे। और अगर नींबू कम रसीला है, यानी कि उसमें रस कम है, कभी कभी क्या होता है कि नींबू में रस कम रहता है, कच्चापन रहता है, तो उसमें कम रस निकलता है, उस टाइम में आप 1 पूरा नींबू डाल दीजिए। यानी कि अगर चम्मच से आप नाप के डालेंगे तो 4 चम्मच लगभग नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालने के बाद लगभग 2 मिनट तक इसे हमें फिर से बॉयल कर लेना है। सारी चीज़ों का अर्क अच्छे से चाय में उतर आना चाहिए, इसीलिए इसे हम धीमी आंच पे और देर तक पकाते हैं। तो पूरी चाय को पकने में 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है। नींबू का रस डालने के बाद चाय हमारी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, ये देखिए ऊपर से लेके नीचे तली तक में दिख रहा है, और जब तक नींबू का रस नहीं डला था ये ट्रांसपेरेंट नहीं था। तो चाय हमारी बन गई है, चलिए अब इसको छान लेते हैं। इसका कलर देखिए गोल्डन कलर का दिख रहा है ना, बिल्कुल गोल्ड वाली ही चाय है, बेहद टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। सर्दी के लिए तो यह बहुत ही फायदेमंद है, बदलते हुए मौसम के लिए भी फायदेमंद है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, थकान को दूर करता है, मौसमी इन्फेक्शन से बचाता है। तो बच्चों से लेकर के बड़ों तक को ये चाय आप दे सकते हैं। दिन में 1 से 2 बार जरूर इस चाय को बनाइए और इस्तेमाल करिए, बेहद हेल्दी चाय है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।